अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग और वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले यार, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल सब्सक्राइब कर दो बगैर सब्सक्राइब करके, और तुम लोग वीडियोस देख रहे हो तो ये गलत बात है यार। मैंने इतनी उम्मीदें लगाई हुई आपसे और आप इसी हरकत करोगे, फिर तो गलत बात हो गई है। तो भी सीधा आते हैं मुद्दे पे। आज का हमारा ब्लॉग था क्यों पर, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी कि आप लोग कोई भी सवाल करें, मैं आपको ब्लॉग में उसको आंसर करूँगा। तो अभी जिस जिस लोगों ने हमसे ये सवाल पूछे हैं, मैं उनको सबका तसल्ली से बैठ के आंसर दूंगा, कोई मसला नहीं, बोर नहीं होगे, मज़ा आएगा। तुम लोग ब्लॉग देखोगे तो, और जो जो जिसको जिसको लगता है कि बोर होगा वो, कोई मसला नहीं, आप भले चले जाएँ, लेकिन इस ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने वाला मैं हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ब्लॉग इंटरेस्टिंग होगा। तो कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी शक्ल दिखाता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चनिंग की है लोगों ने, बस फिर आप तसल्ली से बैठें और ब्लॉग को सही से देखें, और जो जो नया है, जो जो न्यू है, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर दे। सो बस यहीं से स्टार्ट करते हैं। नाइस, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई, सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पे लिखा हुआ अली भाई का, अली मुश्तबा अमानी, वो जो मेरे क्रेडिट कॉलेज में सीनियर थे, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि डू यू मिस मी एंड आई वॉन्ट इट रिप्लाई। तो भाई बिल्कुल आपको देंगे, तसल्ली से देंगे, ऐसे ही तो नहीं ना आपको बस उन्होंने बोला है कि सवाल करें। तो भाई देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं मिस करता हूँ और आप, मुझे नहीं लगता कि आप मिस करते होंगे हम लोगों को, जो भी ग्रुप था हमारा, हमारा ग्रुप था जिसमें था दिलदार, दीनू, मैं, दीनू मतलब दीन मोहम्मद, तो मैं, जानजेब अत्तर और अरेज और हम सब, ठीक है ना। तो फिर आप लोग, मतलब आपने अली भाई, आपने हमें बहुत इज्जत दी, थैंक यू सो मच, फिर आपने इतनी सपोर्ट दी ना, तो बस ये क्या है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मिस करने की बात आती है, आप भी बहुत बिजी हो गए जब से आप चले गए हैं, तो फिर ऐसी बात नहीं, हम बिजी हो गए तो हम आपको भूल गए, आप भी आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर टेंशन नहीं लेने की, जब भी मिलेंगे ट्रीट तो आपसे लेनी है ना, वो क्या बोलते हैं उसकी, निकाह की ट्रीट तो लेनी है, आपने ट्रीट भी नहीं दी तो फिर ये तो आपका रहता है। तो बस ये आप सोच लेंगे, बस आप कब देंगे, टेंशन नहीं लिया। ओके, तो भाई इसी के साथ साथ जो है ना, दूसरा सवाल ये है कि अबड़ो मेराज ने मतलब सवाल किया है कि यूनिवर्सिटी से कितनी पटाई हैं। अब ये नहीं पता कि क्या पटाई हैं, कितनी पटाई हैं, भाई देखो ना, पहले आप सवाल कर लो तो पूरा सवाल करो, ऐसे ही नहीं कि बस कितनी पटाई हैं, ये वो ऐसा नहीं होता भाई। और दूसरी बात है, यूनिवर्सिटी आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, सो बात को समझो, ऐसा नहीं है कि जाते साथ वहीं पर लड़कियाँ पटानी है, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर जो है ना, शराफत के दायरे में रहो। तो ये ऐसे सवाल नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं करते हम। तो दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो भाई यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि ड्रीम कार, आपके भाई की ड्रीम कार, सवाल किसने किया है? हाँ, सवाल भी किसी प्यारे बंदे ने किया है। ड्रीम कार मेरी, यार देखो ना, माई ड्रीम कार इज सुपरा। सुपरा भाई लेवल है, मतलब लेवल है। सुपरा की जो साउंड है ना, बस वो मैं उसके ऊपर फिदा हूँ भाई, मैं उसके ऊपर फिदा हूँ, मुझे बस ये बस चाहिए, सुपरा चाहिए। तो बस दिला दो तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। तो दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल भी उसी बंदे ने किया है कि एनी मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो भाई मेमोरेबल मोमेंट यार, मैं आपको बता सकता हूँ कि लाइफ का वो हिस्सा, वो पार्ट जो मैं कभी भूल नहीं सकता, वो ये है कि व्हेन वी आर गोइंग टू क्वेटा। तो यार ये बड़ा ना, मतलब मैं बताते ही मुझे पता नहीं क्या होता है कि हम लोग क्वेटा आ रहे थे, तो वहाँ पे ना एक सिटी आता है बोलान, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग इन्जॉय कर लेते हैं। तो फिर क्या हुआ, हम लोगों ने गाड़ी रोकी और मैं जा रहा था, मेरा भाई जा रहा था, हम देखने आ रहे थे पानी कितना गहरा है, मतलब क्या भी है, मतलब वो पहले मेरा भाई गया। तो फिर मेरा भाई जैसे गया ना, तो मतलब जैसे उसने पाँव रखा पानी में, वो अंदर तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने जो छलांग मार दी पानी में, अब वो पानी मैं जैसे छलांग मारी, मेरा भाई बाहर आ गया, तो मुझे तैरना नहीं आता था, तो मैं हाथ लगा रहा था भाई ये क्या हो रहा है, मतलब मैं बाहर ही नहीं निकल रहा था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हो रहा है, अब क्या होगा। तो बस पता नहीं कैसे, तो मेरे जो पैर के अंगूठे की चोटी पे, मतलब उसकी बिल्कुल वहाँ पे पता नहीं कुछ ईंट लगी, जो मैंने उसको पुश किया और मैं बाहर आ गया, मेरे भाई ने हाथ दिया। तो फिर वो आगे जाके पता चला
मतलब ना इस जगह पे पहले ही काफ़ी जो है ना डेथ हो चुकी है, और इसके नीचे एक ऐसी सुरंग है जो पानी के अंदर से ही जाती है, तो काफ़ी लोग जो है ना पानी के अंदर गए और वो पहाड़ के अंदर चले गए सुरंग के जरिए। तो भाई ये वही मैं कभी नहीं भूल सकता, और बहुत सी मेमोरेबल मोमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा तो ये है, वो ये है। तो दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल ये है कि वासित व्हाट आर योर अल्टीमेट गोल्स। यार देखें, मेरा सबसे पहला गोल तो ये है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ या मुझे कुछ भी ऐसा है, नहीं नथिंग। यार सबसे जो बड़ा गोल है ना मेरा, वो है टू सर्व द ह्यूमैनिटी। अल्लाह ने चाहा, अगर मुझे इतना मिलता है तो मैं सबसे पहले ना यही करूँगा, टू सर्व द। आई नो कि भाई मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं भाई ये तो ऐसे ही कर रहा है, भाई ये तो बक छोटा है, भाई ये तो ये कर रहा है, भाई तो ये कर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पहला मेरा एक गोल ये है, और दूसरा मेरा गोल ये है कि यार देखो, मैंने यूट्यूब पे बहुत मेहनत की है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर बनूँ, और मेरी कोशिश भी है आप लोगों को जितना मतलब इंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो वो ऐसा नहीं है मतलब कि भाई बातें कर रहा हूँ, नहीं, पढ़ाई के हिसाब से बात की जाए तो पढ़ाई में इतना खास नहीं भाई साहब, पढ़ाई अपने से होती नहीं है, मतलब जो है ना कि बड़ी मुश्किल होती है यार, क्या नहीं। हाँ लेकिन ये है, कोशिश है कि बस एक कहीं पे मतलब हो जाए सब कोई सीन, मतलब पढ़ाई वाला ये वो लग जाए तो अलग बात, लेकिन इतना इंटरेस्टेड नहीं रहा शुरू में पढ़ाई में। तो जो बात है सच, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई झूठ नहीं है, तो बस यही है भाई। उसी के साथ साथ भी एक और सवाल है कि हु इज़ योर फेवरेट ह्यूमन इन दिस अर्थ। तो भाई अकॉर्डिंग टू मी होता है उसके जो है ना उसकी माँ होती है, और मतलब ये है कि मतलब उसके बाद होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना उसकी माँ होती है, वो ही मतलब उसकी फेवरेट ह्यूमन होते हैं। तो फेवरेट ह्यूमन तो मेरी माँ ही है। दूसरा सवाल है कि आई लव यू, ये सवाल, ये बोलो कि ये तुम फीलिंग्स अपनी शो कर रहे हो क्या भाई। देखो ये लड़की वाले काम नहीं कर भाई, तू सवाल जो कर रहा है ना, ये किसने किया सवाल, अब क्या तेरा नाम लूँ मैं, ये लड़कियों वाले सवाल नहीं कर दूँ बेटा। आई लव यू, आई लव यू, अब मैं तुझे बोलूँगा आई लव यू टू, यहाँ पे फीलिंग्स जाग जाएंगी, अबे भाई इसने आई लव यू बोला है, ओ वाह, गले लग जाओ भाई, पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूँ जरा, ऐसे सवाल मत कर, मरवाएगा क्या। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि भाई यहाँ पे फराज रिंग, अबे फराज भाई क्या सवाल कर रहे हो यार, ये मीरा किसकी हो सकती है, अपन ले सकता है क्या, अपन ले सकता है मीरा, अबे ऑब्वियसली दोस्त की होगी यार। अब दरअसल इन्होंने सवाल ऐसा पूछा है ना, मैंने स्टोरी लगाई थी ये वाली इंस्टा पर, तो पीछे से मैंने पिक लगा दी थी, बैकग्राउंड पिक लगा दी थी, ऊपर से क्वेश्चनिंग का वो लगा दिया, तो अब ये फराज भाई पूछ रहे हैं कि फराज भाई क्या सवाल करते हो यार, ये मीरा मैं ले सकता हूँ, ऐसे सवाल प्लीज़ देख फराज भाई, देखो गलत सवाल कर रहे हो आप, ये फड्डे हो जाएंगे इस पर। दूसरा सवाल ये है कि आप याद ही नहीं करते जानजेब अली। मैंने पहले आप क्वेश्चन में आपको बताया होगा, जब अली भाई हम लोग साथ में होते थे ग्रुप में, तो मैंने आपका नाम उठाया है जानजेब, मैंने कहा है कि जानजेब अत्तर हम सब, मैंने ऐसे नहीं है कि भूल गया हूँ यार, देखो ना वक्त की रफ्तार के साथ साथ सब बिजी हो जाते हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं आपको भूलूँ या आप मुझे भूल जाएँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तू तो हमेशा साथ था और तू अच्छी एक्टिंग कर रहा था, तो फिर ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं भूला हूँ तुझे, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। अगर हम कहीं पे कभी भी मिलेंगे तो कभी ऐसा डिफरेंस नहीं शो करवाएंगे कि यार हम लोग काफ़ी अर्से बात मिले तो स्ट्रेंज हो जाए, ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो टेंशन नहीं ले, जब भी मिलूँगा तेरे से भी तो वैसे ही मिलूँगा जैसे पहले था, तो तू इस बात की प्लीज़ डोंट वरी, टेंशन नहीं ले भाई, है तू अपना और याद रख सेट। तो फिर भी दूसरा सवाल ये, बैकग्राउंड में गाड़ी कितने की ली, अबे यार वही सवाल करते ना साईं बाबा, मैं आपको क्या बोलूँ सैयद फसीउद्दीन। देखिए सैयद बाबा, ये जो है ना गाड़ी, मैंने आपको पहले इसका मैं जो है ना जवाब दे दिया है, और फिर से नहीं दे सकता आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और दूसरा सवाल ये है कि जैन काजी ने किया है कि भाई आपकी पिकनिक हमारे साथ कैसी रही। यार देख जैन, तू कहीं भी हो ना तो कभी भी तेरे साथ भाई बोर नहीं होने वाला, मैं पिकनिक में बहुत मज़ा आया तेरे साथ, मतलब तू कहीं भी होगा तो तेरे साथ मज़ा ही आएगा, तो बस ये है, करते हो तुम फिर जो भी करते हो, यू नो ये वाला सीन्स।
अभी जो है ना क्वेश्चन आया अरेज की तरफ से, अरेज आप लोग जानते होंगे मैंने ब्लॉग बनाया था जिसके साथ मैं पकड़ा भी गया था, पुलिस वाले ले गए थे, तो ये है ही सारा पनौती। तो कोई बात नहीं, पनौती मैं भी हूँ तेरे साथ, जब मैं होता हूँ या तू मेरे साथ होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो भाई इसने क्वेश्चन अभी क्या किया, वो तो पढ़ाई नहीं हमने, तो उसने क्वेश्चन किया हुआ है बेस्ट मेमोरी विद मी इन कॉलेज। तो यार भाई तेरे साथ जो है ना कॉलेज में एवरी मोमेंट बेस्ट थी, जो बात है भाई। और सबसे बेस्ट मैं बयान करूँगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा इन लोगों को, जब हम लोग रात में कोई 10:30 बजे हम लोग वॉक कर रहे थे बंक करके, मतलब मस्टर्ड हमारा रात में होता था काउंटिंग के लिए मस्टर्ड, तो वो बंक करके हम लोग घूम रहे थे ट्रैक पे, तो ट्रैक पे हम लोग बातें कर रहे थे, मैं आप व्यूवर्स को बता रहा हूँ ठीक है ना, ये तो जानता है। तो जब हम लोग जब हम लोग कर रहे थे ना वो वॉक कर रहे थे, तो अचानक क्या हुआ, हम लोग ना बहुत डीप बातें कर रहे थे आवाज, मतलब डीप डिस्कशन नहीं होती वो कर रहे थे हम लोग। तो अचानक क्या हुआ, अचानक हम हमारा कॉलेज ना बिल्कुल सन्नाटे में होता था, बहुत मतलब जो है ना कोनों में, जहाँ पे सिर्फ झाड़ियाँ होती थी जंगल होता था। तो क्या हुआ, अब हम लोग वॉक कर रहे थे, अचानक ना अचानक ये हुआ कि एक बड़ी स्पीड से कुत्ता भागता हुआ आ रहा है। तो ये मैं जा रहा हूँ यार इसमें से, तो बड़ी स्पीड से कुत्ता भागता वो भोंगता हुआ आ रहा था। तो इसने ना उसने छलांग मारी मेरे ऊपर, छलांग मारी उसने कस के पकड़ लिया, कुत्ता कुत्ता कुत्ता, मैं बोला कुत्ता है, इसने चीख मारी ना जैसे के पास एक कुत्ता। तो मैं और डर गया, मैं भी डर गया वहाँ पे। तो ये बड़ी जो है थी बेस्ट मोमेंट थी हमारी, बहुत अच्छा, इस पर हम बहुत हंसे थे, हम लोग बाद में बहुत हंसे थे, तो ये बेस्ट थी। तो दूसरा सवाल भी अरेज का ही है कि वॉट कैन यू डू वॉट वैन आई एम इन ट्रबल। तेरे लिए भाई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, चल झूठा। बस ये जो है ना समझ ले, सब कर लेंगे तेरे लिए, डोंट वरी। तो दूसरा सवाल भी अरेज खान का ही है कि व्हाट आई एम टू यू। तो भाई यार भाई हो यार, भाई से बड़के हो, पसीने आ रहे हैं आप लोगों की वजह से, ये सब आप लोग आ रही, मतलब ये मैं आप लोगों की वजह से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने और यकीन जाने में सिर्फ वॉइस के लिए मेरी आवाज़ प्रॉपर है, मैंने पंखा बंद किया हुआ है कि मेरी आवाज़ सिर्फ आप तक सही से आए, तो इस वजह से मैंने पंखा बंद किया। तो आते हैं अरेज के सवाल की तरफ। तो अरे यार देख ले भाई, तू भाई है अपना, भाई से बढ़ के भी कह सकता हूँ मुझे, सो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, जो जिससे पता है वो मुझे बता रहा हूँ, तो बस यही है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच। यही जो है ना, हाँ जी, तो यही जो है ना Q&A थे, और जो यही क्वेश्चन थे मैंने जवाब दिया। उम्मीद है कि मैंने आप सबको बोर नहीं किया होगा, क्योंकि मेरी कोई ये कोशिश थी नहीं कि मैं आपको बोर करूं। दरअसल क्या है, मैं व्लॉग्स बनाता हूं, आपको पता है कि तफरी होती है, तो फिर आपको पता है। तो उम्मीद है मैंने बोर नहीं किया होगा आपको, आप सबको अपना जवाब मिल गया होगा, और आई होप के यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद माई आंसर। सो बस ये है कि इस व्लॉग को देखने के बाद शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बस जुड़े रहिए साथ में। तो अगला व्लॉग भी इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई लव, थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया और आपने क्वेश्चंस किए, और जिन्होंने नहीं भी किए कोई बात नहीं, होता रहता है। सो बस यही था व्लॉग, तो थैंक यू सो मच, व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह।